हेलो स्टूडेंट्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के आज के लेक्चर में हम लोग का टॉपिक है सीरो फोर्स। सीरो फोर्स मतलब एक ऐसा फोर्स जो अप्लाई तो नहीं होता है लेकिन तो आभास होता है, इसलिए इसको कुछ लोग आभासी फोर्स भी कहते हैं या फिर फिक्टिटियस फोर्स भी बोलते हैं। तो सीरो फोर्स, और सीरो फोर्स एक टाइप की टेक्निक है जो कि यूज होती है उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जिसमें हम लोग न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। मतलब सीरो फोर्स एक टाइप का जुगाड़ है, ठीक है। जब हम किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाते हैं जो कि एक्सेलरेट हो रहा होता है, जिसको बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो वहां पर हमें अथॉरिटी नहीं होती है कि हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डायरेक्ट अप्लाई कर सकें, ठीक है। और अगर हम उसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे तो हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो उसके लिए हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स की जरूरत पड़ती है जिसको बोला जाता है स्यूडो फोर्स। तो स्यूडो फोर्स कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है, जिस टाइप का नॉर्मल रिएक्शन होता है, जिस टाइप का फ्रिक्शन फोर्स होता है, ये कोई फंडामेंटल फोर्स नहीं है। ये एक ऐसा फोर्स है जिसको हम लोग यूज करते हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो हमें सीरो फोर्स को पढ़ने से पहले हमें दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस को पढ़ना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और दूसरा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसका एक्सेलरेशन जीरो होता है। तो स्टूडेंट्स, अगर हम किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट को एनालाइज करें जिसका एक्सेलरेशन जीरो है, तो उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और एक्सेलरेशन का जीरो होना दो बात को डिपेंड करता है कि या तो बॉडी रेस्ट पर है या फिर बॉडी मूव कर रही है तो कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन से, सॉरी कॉन्स्टेंट वेलोसिटी से, कॉन्स्टेंट वेलोसिटी। और ये वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल रहते हैं, ठीक है। जैसे हम अर्थ के फ्रेम में बात करें तो हम डायरेक्टली न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अभी तक अप्लाई करते हुए आए हैं, और इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें अथॉरिटी होती है कि आप न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई कर सके। दूसरा होता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि एक्सेलरेट कर रहा हो, मतलब एक्सेलरेशन जीरो ना हो, ठीक है। एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस को बोलते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। जैसे कि आप किसी कार में हैं और कार जो है वो कुछ 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से आगे मूव कर रही है, तो वो जो आपकी कार है ना वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोली जाएगी, ठीक है। और ये वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है जिसमें न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है या डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। एनएलएम डज नॉट एप्लीकेबल डायरेक्टली, मतलब हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते। कुछ मैनिपुलेशन के साथ या कुछ टेक्निक के साथ अप्लाई करेंगे और उस टेक्निक को ही बोलते हैं हम लोग स्यूडो फोर्स। मतलब अगर हमें किसी क्वेश्चन को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहकर या उसी पर बैठ के सॉल्व करना होगा नॉन इनर्शियल फ्रेम से, तो हम एक टेक्निक का यूज करेंगे जिसको बोलते हैं सीरो फोर्स। और वो टेक्निक क्या है और कैसे अप्लाई की जाती है
वो देखिए। तो पहले आप नोट कर लीजिए, दो टाइप के फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसको हम लोग फील करते हैं कि सीट ऑफ फोर्स क्या है और कैसे अप्लाई किया जाता है। स्टूडेंट्स यहां पर एक ब्लॉक है जिसका मास है कैपिटल एम और एक ऑब्जर्वर है या फिर यू कहिए कि एक फोर्स सप्लायर है जो कि फोर्स को अप्लाई कर रहा है इस ऑब्जेक्ट पर, ठीक है। और ये ऑब्जेक्ट ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यहां पर एक ऑब्जर्वर है ए, इसका नाम है ए, जो कि ग्राउंड पर है। और अगर ये ग्राउंड पर है तो ये कौन से टाइप का फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया? ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। और अगर ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को ये डायरेक्ट अप्लाई कर सकता है। मतलब कि अगर हम इसके अकॉर्डिंग इसका मोशन चेक करें तो ये बताएगा कि भैया ये जो ऑब्जेक्ट है वो ए एक्सेलरेशन से आगे जा रहा है, एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है। और यहाँ पर अगर ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन या फिर न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन यूज करे तो नेट फोर्स इज इक्वल टू होता है एम ए, नेट फोर्स इज इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, और नेट फोर्स एफ है तो एफ इज इक्वल टू एम ए डायरेक्ट अप्लाई कर लेगा और यहाँ से एक्सेलरेशन फाइंड कर लेगा ये एफ बाई एम। ये जो रिजल्ट है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर ए है, ठीक है। अब यहीं पर एक दूसरा ऑब्जर्वर है अभी भी सिचुएशन वही है, ये एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है इस ऑब्जेक्ट पर, मास एम है, एफ फोर्स अप्लाई कर रहा है तो इसका एक्सेलरेशन ए है, कुछ ना कुछ होगा ही। लेकिन इस बार एनालिसिस आप ग्राउंड पर रहकर नहीं कर रहे, आप उसी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में चले गए हैं जिस पर एनालिसिस करना था, ठीक है। मतलब ये ऑब्जर्वर बी इस समय एक नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है क्योंकि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो एक्सेलरेट कर रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इससे बात करूंगा अकॉर्डिंग टू बी अगर मैं बी के रिस्पेक्ट में बात करूं तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? ये आपने पहले से पढ़ रखा होगा कि अगर हम किसी बॉडी में मूव कर जाते हैं जो कि पहले से मोशन में रहती है तो उसका मोशन उसको फील नहीं होता है। तो यहां पर अगर मैं बी से बात करूं तो बी का खुद का एक्सेलरेशन इसको फील नहीं होगा, ठीक है। जबकि एक्सेलरेशन है, इसको फील नहीं हो रहा है। और अगर इसको एक्सेलरेशन नहीं फील हुआ तो इसके दो रीजन हो सकते हैं, इसके रिस्पेक्ट में ये बता रहा है कि इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहला, या तो फोर्स लगा ही ना हो, फोर्स या तो लगा ही ना हो, और दूसरा अगर लगा भी हो तो उसका रिजल्टेंट जीरो हो गया हो, ठीक है। मतलब एक फोर्स दूसरे से कैंसिल आउट हो गया हो, फोर्स या तो लगा ही नहीं है और या नेट फोर्स जीरो हो गया है या रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो गया है। तो यहां पर ये फोर्स अप्लाई कर रहा है जबकि इसको नहीं दिख रहा है, तो बी का सोचना क्या होगा? बी ये सोचेगा कि फोर्स लगा तो है लेकिन कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो कि इसके फोर्स को बैलेंस कर ले रहा है जिस वजह से इसको रिजल्टेंट फोर्स जीरो दिख रहा है। फिर से एक बार देखिए फ्रेंड्स, यहां पर एक्सेलरेशन जीरो हुआ। एक्सेलरेशन जीरो होने के दो रीजन हो सकते हैं, या तो बॉडी पर फोर्स लगा ही ना हो, या लगा हो तो दो फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर ले रहे हो जिससे रिजल्टेंट जीरो हो गया हो, ठीक है। इसको एक्सेलरेशन जीरो दिखा, फोर्स लगा ही नहीं है, ये रॉन्ग है क्योंकि फोर्स लगा तो है। फिर यहां पर क्या हो सकता है इसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में ये हो सकता है कि इसका रिजल्टेंट जीरो हो गया। रिजल्टेंट जीरो होकर होने का मतलब जितना फोर्स ये जो अप्लायर है, ये जो अप्लाई कर रहा है फोर्स, उतना ही फोर्स इस बॉडी पर अपोजिट डायरेक्शन में लग गया होगा जिस वजह से इस बी ऑब्जर्वर को रिजल्टेंट फोर्स कितना दिख रहा होगा? जीरो, ठीक है। नाउ एफ रिजल्टेंट वो जीरो है और रिजल्टेंट फोर्स जीरो होने का मतलब कि एफ माइनस एफ नॉट इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसका मतलब कि जो एफ प्राइम है इज इक्वल टू एफ
और एफ किसके इक्वल स्टूडेंट्स, एफ इक्वल है एम ए के, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जब हम किसी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएंगे, या फिर यू कहिए कि ये ऑब्जर्वर जब मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में गया, इसको रिजल्टेंट फोर्स जीरो दिखा, इसको ऐसा फील होगा कि जितना फोर्स आगे की तरफ लग रहा था उतना ही फोर्स पीछे की तरफ लग गया, जिस वजह से इसको फोर्स नहीं दिखा और बॉडी एक्सेलरेट करती हुई नहीं नजर आई, ठीक है। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करिए स्टूडेंट्स, तो इसी इक्वेशन को मैं फिर से यूज कर रहा हूँ, एफ प्राइम, इसी एफ प्राइम को बोला जाता है सीरो फोर्स, जो कि होता तो नहीं है लेकिन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में यहाँ पर फील होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, F माइनस F प्राइम, और F प्राइम की वैल्यू कितने फ्रेंड्स, F प्राइम की वैल्यू है MA, इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि रिजल्टेंट फोर्स जीरो होना है, ठीक है। तो ये हो गया इक्वेशन अकॉर्डिंग टू B, ये इक्वेशन थी अकॉर्डिंग टू A और ये इक्वेशन है अकॉर्डिंग टू B, ठीक। तो यहाँ पर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, तो F इज इक्वल टू MA या A इज इक्वल टू F बाई M। तो जो रिजल्ट A ने निकाला था A इज इक्वल टू F बाई M, वही रिजल्ट यहाँ पर ये भी निकाल रहा है, लेकिन एक मैनिपुलेशन करके निकाल रहा है कि एक एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर अप्लाई हो रहा है जो कि एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट है, ठीक है। तो इस B को एक कंक्लूजन ड्रॉ कर लेना चाहिए कि जब भी ये कभी किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएगा तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पर फोर्स रिजल्टेंट फोर्स जीरो हो जाएगा। तो उसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा कि एक एक्स्ट्रा फोर्स यहाँ पर अप्लाई करना पड़ेगा जो कि एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट होगा, और उस बिहाफ पर आप यहाँ पर एक अपनी जो रियल इक्वेशन है या रियल एनालिसिस है वो कर सकते हैं, ठीक है। इसको एक और एग्जाम्पल से देखते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एलिवेटर है और ये एलिवेटर के इस सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास है कैपिटल M, ठीक है। अगर इस एलिवेटर को हम E एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट करा दें, ठीक है, और ये ऑब्जर्वर जिसका नाम था A उसको अभी भी ग्राउंड पे रख के इसकी एनालिसिस करवानी है, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, इससे मिलने वाला सरफेस से मिलने वाला नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, और ये पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है। और मैं अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊं अकॉर्डिंग टू ऑब्जर्वर ए, ये इनर्शियल फ्रेम में है, मतलब मैं लिफ्ट में रह के काम नहीं कर रहा हूँ, मैं लिफ्ट के बाहर रह के काम कर रहा हूँ, तो इस केस में इसका वेट एम जी नॉर्मल रिएक्शन एन और एक्सेलरेशन ए। अब इसके रिस्पेक्ट में इसकी इक्वेशन लिखते हैं स्टूडेंट्स, अगर ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो ये ब्लॉक भी मूव कर रहा होगा ए एक्सेलरेशन से, और अगर ये ऊपर जा रहा है इसका मतलब कि नॉर्मल रिएक्शन ज्यादा होगा एम जी से। ये सब इक्वेशन आपने पहले से सॉल्व कर रखे, एन माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है, एम जी को तो ट्रांसफर करिए, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन कितना आ जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन आ जाएगा एम जी प्लस एम ए। अभी आपने इस सिस्टम को सॉल्व किया है ग्राउंड फ्रेम से, मतलब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, अब इस क्वेश्चन को इसी एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से सॉल्व करिए, सिचुएशन वही है, क्वेश्चन वही है, बस आपको अपना फ्रेम चेंज करना है। ये एलिवेटर या लिफ्ट कह सकते हैं आप इसको, यहां पर ब्लॉक है, यही ब्लॉक है यहां पर कैपिटल एम मास का, और आप इस समय यहां पर हैं, ये ऑब्जर्वर बी है,
ये वही वाला ऑब्जर्वर है जो लास्ट केस में था, बी ऑब्जर्वर, ठीक है। अब जब इसके अकॉर्डिंग हम चेक करेंगे, क्योंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्या बी को ये एक्सेलरेशन दिखाई पड़ेगा? बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ेगा, क्योंकि उसी फ्रेम का हिस्सा है ये, ठीक है। अकॉर्डिंग टू बी अकॉर्डिंग टू बी एक्सेलरेशन इज जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो होने की वजह से ये इक्वेशन क्या बनाएगा? ये इक्वेशन बनाएगा इसका वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन n, और इसके रिस्पेक्ट में ये ऑब्जेक्ट मूव ही नहीं कर रहा है, ठीक है। यहां पर अगर बाहर से देखते तो पूरा सिस्टम मूव कर रहा था, लेकिन आप यहां पर आके देख रहे हो, और जैसे यहां पर आके देखोगे इसका एक्सेलरेशन जीरो, और अगर एक्सेलरेशन जीरो है, ये मूव नहीं कर रहा है, तो b के रिस्पेक्ट में इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? b के रिस्पेक्ट में इक्वेशन हो जाएगी n इज इक्वल टू एम जी। अब सिचुएशन एक ही है, लेकिन दो अलग अलग इक्वेशन आ रही है, एक n इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए आ रही है, और यहाँ पर n इज इक्वल टू एम जी आ रही है। इसका मतलब कि जब हम किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाते हैं जो कि एक्सेलरेट कर रहा होता है, तो हमारी इक्वेशन कुछ में कुछ कुछ रॉन्ग हो जाती है, ठीक है ना, वो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को फॉलो नहीं करती है, ठीक है। तो हमें कुछ मैनिपुलेशन करना पड़ेगा, और ये जो ऑब्जर्वर भी है वो बहुत समझदार है। लास्ट केस में उसने समझ लिया था कि जब भी हम किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएंगे जो एक्सेलरेट कर रहा होगा, तो हमें एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा अपोजिट टू मोशन या अपोजिट टू एक्सेलरेशन, जिसकी वजह से हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन अब काम कर सकेगा। मतलब कि अब ये इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए कुछ जुगाड़ करेगा, और उसी जुगाड़ का नाम है स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो मैं इसको मूव कर रहा हूं, और अब ये ऑब्जर्वर भी फिर से अपनी एनालिसिस स्टार्ट करेगा, क्योंकि ये रॉन्ग हो चुका है, ठीक है। ये ऑब्जर्वर भी ही है अपनी एनालिसिस को दोबारा से स्टार्ट कर रहा है। मास m और b के रिस्पेक्ट में इस पर वेट काम तो करेगा ही करेगा mg, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन काम करेगा n, और ये ऑब्जर्वर ये कह रहा है कि हम एक ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आए हैं जो कि पहले से ही एक्सेलरेट कर रहा है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आए हैं, और अब इसको एक ऐसा स्यूडो फोर्स या फिर एक ऐसा फोर्स यहाँ पर दिखाना पड़ेगा जिसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स, जो कि कंपनसेशन है यहाँ पर कि हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आए हैं, और यहाँ पर मोशन के जस्ट अपोजिट एक एक्स्ट्रा फोर्स दिखाना पड़ता है, होता नहीं है, दिखाना पड़ता है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर अब ऑथराइज्ड हो जाएंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। तो ये जो है ना फोर्स, इसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स, जिसको हम लोग अप्लाई किए हैं, होता नहीं है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर हम इसके रिस्पेक्ट में बात करें, तो अब इक्वेशन ये क्या बनाएगा, एन इज इक्वल टू एम जी प्लस एम ए, ठीक है। ये वही इक्वेशन है जो आपने लास्ट केस में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड चेक की थी या बनाई थी, यही इक्वेशन ये भी बना रहा है, लेकिन हाँ किसको यूज करके, इस स्यूडो फोर्स को यूज करके, ठीक है। तो एक कंक्लूजन इस ऑब्जर्वर बी के माइंड में होगा, वो कंक्लूजन आपको भी जानना चाहिए कि जब भी हम किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाते हैं जो पहले से ही एक्सेलरेट कर रहा होता है, ठीक है, तो हमें एक्सेलरेशन दिखना बंद हो जाता है, और जिस डायरेक्शन से एक्सेलरेशन गायब हुआ है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आप एक फोर्स को यूज करते हैं जिसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स, ठीक है। और उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है ऑब्जेक्ट का मास और वो डिसअपीयर्ड एक्सेलरेशन, मतलब वो गायब हुआ एक्सेलरेशन, ठीक है। अगर एलिवेटर ऊपर जा रहा होगा स्यूडो फोर्स नीचे लगेगा, अगर एलिवेटर नीचे जा रहा होगा तो स्यूडो फोर्स ऊपर लगेगा, लेकिन हाँ स्यूडो फोर्स का नाम आपको तब लेना है जब आप उस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहें। अगर आप ग्राउंड फ्रेम में हैं या इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हैं, तो आपको स्यूडो फोर्स का नाम नहीं लेना है,
ठीक है। तो स्यूडो फोर्स एक टाइप की टेक्निक है, एक टाइप का जुगाड़ है, जो कि हम लोग तब यूज करते हैं जब हम लोग नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, एक और एग्जाम्पल को देखते हैं। ये एक एलिवेटर, यहां पर एक बॉल को इस स्ट्रिंग से अटैच करके और यहां पे इसको हिंच कर रखा है, इसका मास है एम। यहां पर मैं एक ऑब्जर्वर ए को अपॉइंट कर रहा हूं इस बॉल की स्टडी के लिए, जो कि अभी ग्राउंड फ्रेम में है, ठीक है। और ये एलिवेटर को मैंने ए का एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में दे रखा है, ठीक है फ्रेंड्स। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें स्यूडो फोर्स की कोई यूज कोई हेल्प नहीं लेनी पड़ेगी, ठीक है। इसका वेट, इसके अकॉर्डिंग इसका वेट स्मॉल एम जी, टेंशन टी, ठीक है। अब मैं इस बॉल का फ्री बॉडी डायग्राम इस ऑब्जर्वर ए के रिस्पेक्ट में बनाऊं तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, एम जी टी, और ये पूरी बॉल, ये पूरा सिस्टम ए से जा रहा है ऊपर, तो ये बॉल भी ऊपर जाएगी कैपिटल ए से, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग ये दोनों अनबैलेंस फोर्स हैं, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ये क्या इक्वेशन बनाएगा, इसकी इक्वेशन बनाएगा टी माइनस एम जी इज इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो इस रस्सी में टेंशन कितना आएगा, तो टेंशन आएगा एम जी प्लस एम ए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब उस ऑब्जर्वर बी को, जो कि लास्ट दो केस से धोखा खा रहा है, दो बार उसने गलत इक्वेशंस बना दी थी, उसको अपॉइंट करते हैं। यहां पर वो बॉल एम मास की, और उस ऑब्जर्वर बी को हम यहां पे लेके चले आए और इससे बोल रहे भैया कि इसके मोशन की इक्वेशन बताओ। इसके अकॉर्डिंग इसका वेट काम कर रहा होगा एम जी, टेंशन टी काम कर रहा होगा, और यहां पर एक्सेलरेशन तो था लेकिन इसके अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन गायब हो गया, क्योंकि ये एक्सेलरेशन को देख नहीं पाएगा। और अब ये समझदार हो गया है, ये जानता है कि जब भी ये कभी किसी नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएगा तो उसको एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा अपोजिट टू एक्सेलरेशन, जिसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स, ठीक है। तो अब ये समझदार हो गया है, और जैसे ही इसको एक्सेलरेशन दिखना बंद हो जाएगा इस फ्रेम में आने पर, वो तुरंत एक्सेलरेशन के जस्ट अपोजिट एक फोर्स यूज करेगा, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्यूडो फोर्स। और वो फोर्स का अमाउंट कितना होता है, बॉडी का मास और एक्सेलरेशन। अब इसके अकॉर्डिंग आप यहां पर देख सकते हैं कि टी इज इक्वल टू हो जाएगा एम जी प्लस एम डायरेक्ट, क्योंकि यहां पर इसके अकॉर्डिंग मोशन तो हो ही नहीं रहा, अगर मोशन नहीं हो रहा तो बैलेंस फोर्स काम कर रहे हैं, लेकिन हाँ इसके अकॉर्डिंग बैलेंस फोर्स काम कर रहे हैं, इसके अकॉर्डिंग तो अनबैलेंस है, ठीक है। तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, एम जी प्लस एम ए। ये वही इक्वेशन है जो इस ए ऑब्जर्वर ने ग्राउंड से रहकर बनाई है, और ये इक्वेशन इसने इस मूविंग फ्रेम से रहकर बनाई है। तो आप जब भी किसी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जाएं तो आपको बस एक काम करना है, एक एक्स्ट्रा फोर्स स्यूडो फोर्स अप्लाई करना है। जब आप ऐसा कर ले जाएंगे तो आप ऑथराइज्ड हो जाएंगे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन को यूज करने के लिए, ठीक है। तो इसके कुछ और एग्जांपल्स को देखते हैं। ये एक एलिवेटर है जिसका एक्सेलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में ए है, और इस एलिवेटर के रूफ से एक पुली कनेक्ट है, और इस पुली की दोनों साइड आर्म से दो ब्लॉक्स, एक है M1 मास का और दूसरा है M2 मास का।
इस टाइप से, और M1 ज़्यादा है, M2 से ऐसा एजम्पशन ले रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाह रहा हूँ ग्राउंड फ्रेम से, जैसे कि आप पहले करते आए, ठीक है। ग्राउंड फ्रेम में है, क्या हमें सीडो फोर्स की जरूरत पड़ेगी? नहीं। इसका वेट M1G, टेंशन T, और ये टेंशन टी पूरी स्ट्रिंग में यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा और यहाँ पर पहुँचेगा। जैसे ही ब्लॉक मिला, स्ट्रिंग कैसे लगता है? अवे टू द ब्लॉक अलॉन्ग द स्ट्रिंग, ठीक है फ्रेंड्स। ये सब हम लोग समझ चुके हैं पहले से ही, टी, और इसका वेट M2G, ठीक है। अब हम इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहते हैं इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में अगर मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊँ, ये रहा मास M1, M1G, T, और ये पूरा सिस्टम ए एक्सेलरेशन से एक्सेलरेट कर रहा है, तो एक्सेलरेशन भी आएगा ए। और ज़रा गौर करिएगा स्टूडेंट्स, M1G ज़्यादा होगा M2G से, तो ये आपस में भी तो एक्सेलरेट करेंगे ना, इधर ऐसे ये नीचे जाएगा मान लेते ए एक्सेलरेशन से, और ये ऊपर आएगा ए एक्सेलरेशन से। यहाँ पे दो टाइप का एक्सेलरेशन है, एक पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन है कैपिटल ए, और एक वेट मैनेजमेंट, इन दोनों की वेट मैनेजमेंट की वजह से जो एक्सेलरेशन आएगा, ठीक है। तो दो टाइप का एक्सेलरेशन इस ब्लॉक पर है, एक तो ये अपने वेट की वजह से स्मॉल ए एक्सेलरेशन झेल रहा है, और एक पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन झेल रहा है। तो ये कुछ इस टाइप का मोशन होगा कि ये जो है ना वो ऐसे ऊपर भी जाएगा, और ये आपस में इस टाइप के मोशन भी करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस ब्लॉक को दो दो एक्सेलरेशन एक साथ मिल रहे हैं, ठीक है। अब इस ब्लॉक की इक्वेशन, इस ब्लॉक का नेट एक्सेलरेशन कितना होगा? तो इसका नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा ए माइनस कैपिटल ए। इस ब्लॉक पर दो एक्सेलरेशन, एक नीचे और एक ऊपर, तो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन कितना? ए माइनस कैपिटल ए। अब इसके अकॉर्डिंग, इस ऑब्जर्वर के अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगी M1G माइनस टी इज इक्वल टू M1 कैपिटल ए, ठीक है। सेम टाइम अगर मैं इस छोटे वाले ब्लॉक की इक्वेशन बनाऊं, तो इसका वेट M2G, टेंशन टी, और इसका एक्सेलरेशन स्मॉल ए अपवर्ड डायरेक्शन में वेट मैनेजमेंट की वजह से, और एक पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कैपिटल ए। तो दो दो एक्सेलरेशन है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट हो गए थे। अब इसकी इक्वेशन इसके अकॉर्डिंग कितनी हो जाएगी? इसकी इक्वेशन हो जाएगी, अच्छा ये पूरा सिस्टम ए प्लस स्मॉल ए से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसका मतलब कि टी ज़्यादा होगा, M1 M2G कम हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग, और इसकी इक्वेशन हो जाएगी टी माइनस M2G इज इक्वल टू M2, यहाँ पर होना चाहिए स्मॉल ए माइनस कैपिटल ए, और यहाँ पर होना चाहिए स्मॉल ए प्लस कैपिटल ए। रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू M, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, यहाँ पर भी रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू M2, रिजल्टेंट एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, जब आप ऐड करेंगे तो ये टी और टी कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ पे मिलेगा क्या आपको स्टूडेंट्स, यहाँ पर जी कॉमन कर लें तो आपको मिलेगा M1 माइनस M2 इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं इसको अंदर में मल्टीप्लाई करूँगा, तो M1A M2A जिसमें से A कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा M1 प्लस M2, और यहाँ पर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर हो जाएगा माइनस M1 कैपिटल A प्लस M2 कैपिटल A। तो यहाँ पर कैपिटल A कॉमन कर लें, यहाँ पर माइनस टाइम्स कैपिटल A कॉमन कर लें, तो आपको क्या मिलेगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर M1 प्लस से मिलेगा, यहाँ पर मैंने माइनस कॉमन किया स्टूडेंट्स, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, माइनस कॉमन कर लिया है, तो यहाँ पे M1 प्लस से हो जाएगा और M2 माइनस से हो जाएगा, ठीक है। इस पूरे टर्म को इधर ट्रांसफर कर लीजिए, जब आप इस पूरे टर्म को इधर ट्रांसफर करेंगे तो उसमें से M1 माइनस M2 कॉमन रहेगा, M1 माइनस M2, ठीक। और यहाँ पर मिलेगा आपको जी माइनस ए इज इक्वल टू ए M1 प्लस M2, और आपको इन दोनों का एक्सेलरेशन चाहिए,
तो एक्सेलरेशन के लिए आप इसको इधर डिवाइड कर दीजिए, तो आपको एक्सेलरेशन कितना मिल जाएगा फ्रेंड्स, मिल जाएगा m1 माइनस m2 g माइनस a अपॉन m1 प्लस m2। ये वो एक्सेलरेशन है जिस एक्सेलरेशन की वजह से ये दोनों ब्लॉक इस एलिवेटर के अंदर अंदर मूव करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब यहाँ पर इसी क्वेश्चन को आप सॉल्व करने के लिए ग्राउंड फ्रेम से की हेल्प ना ले, आप इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में रहकर इसी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं उसकी टेक्निक देखिए और रिजल्ट सेम आएगा, ठीक है। मैं इसको हटा रहा हूँ फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लीजिए। अभी मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ इस ग्राउंड फ्रेम से, सॉरी इस नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से, मतलब यही कहीं बैठ गया मैं यहाँ पे कहीं, ये बी ऑब्जर्वर है, ठीक है। अब ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जैसे ही आएगा और इसने कई बार धोखा खा लिया है तो इसको पता है कि जब भी ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आएगा तो इसको एक सीडो फोर्स की हेल्प लेनी पड़ेगी जिसके बाद ये ऑर्थराइज होगा एनएलएम के लिए। तो जैसे यहाँ पर आया इसने एक और फोर्स यूज कर लिया, क्योंकि ये मोशन अपोल डायरेक्शन में हो रहा था तो सीडो फोर्स नीचे की तरफ आएगा और वो कितना होगा, बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन, यहां पर बॉडी का मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग पूरे सिस्टम में तो कोई एक्सेलरेशन नहीं है, ये वाला एक्सेलरेशन नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन इनका एक्सेलरेशन तो दिखाई पड़ेगा ना, मतलब ये स्मॉल ए से नीचे आता हुआ दिखाई पड़ेगा और ये स्मॉल ए से ऊपर जाता हुआ दिखाई पड़ेगा, ठीक है। अंदर अंदर वाले एक्सेलरेशन दिखाई पड़ेगा, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन नहीं दिखाई पड़ने वाला। और उसके कंपनसेशन के लिए ही आपने क्या लगा दिया यहाँ पर एक सीडो फोर्स, ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन लिखिए, तो इसके अकॉर्डिंग इसकी इक्वेशन, क्योंकि ब्लॉक नीचे जा रहा है ये फोर्स ज़्यादा हो गया होगा टी से, तो क्या हो जाएगा इसकी इक्वेशन, इसके अकॉर्डिंग दो फोर्स काम कर रहे हैं एम वन जी प्लस एम वन ए, एम वन कॉमन कर लो स्टूडेंट्स, तो क्या हो जाएगा एम वन जी प्लस ए माइनस टी इज इक्वल टू एम वन स्मॉल ए, ठीक है। अब इसकी इक्वेशन लिखिए इसके अकॉर्डिंग, तो ये पूरा का पूरा ब्लॉक जो है वो ऊपर जा रहा है, इसका मतलब टी ज्यादा होगा इन दोनों फोर्स से, तो क्या हो जाएगा फ्रेंड्स टी माइनस, यहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स कितना एम टू कॉमन कर ले, ये हो जाएगा जी प्लस ए इज इक्वल टू एम टू ए, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पर इन दोनों को ऐड करें तो ये टेंशन कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो सॉरी ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे और G प्लस ए कॉमन हो जाएगा इसमें स्टूडेंट्स, ठीक है। G प्लस ए कॉमन मिलेगा क्या M1 माइनस M2, ये दोनों ऐड होंगे तो A कॉमन हो जाएगा, ये मिल जाएगा M1 प्लस M2। और आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये हो जाएगा M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 G प्लस ए। ये वही रिजल्ट है जो आप लोगों ने ग्राउंड फ्रेम से निकाला था, लेकिन ग्राउंड फ्रेम से निकालने के लिए बहुत ढेर सारी एनालिसिस की जरूरत पड़ती है, जबकि यहाँ पर हमें डायरेक्टली मिल जाता है रिजल्ट, ठीक है। तो मैं जहाँ तक मेरा मानना है और मैं क्या यूज करता हूँ, तो मैं हमेशा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ज़्यादा प्रेफर करता हूँ क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप कहीं से भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नॉन इनर्शियल से भी, इनर्शियल से भी, जैसा आपको बेहतर लगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।